के समारोह के सभी विशिष्ट अतिथि, सम्मानित अतिथि, असम्मान विजेता और संगे संगे हमारा आनंद जी, जयंती ओझा जी, जितेंद्र तिवारी, सभी परिवार के मित्रों, इतिहास ये बात के गवाह बात की दुनिया में वह समाज मान सम्मान पावेला जी अपना भाषा और संस्कृति पर गर्व कर आज आजमगढ़ में तो माननीय प्रधानमंत्री अपना संबोधन के शुरुआत कही है तो भोजपुरी में कही है। एक पहले भी वहाँ के गाजीपुर के संबोधन, बलिया के संबोधन, मुजफ्फरपुर के संबोधन प्रधानमंत्री मोदी पिछला कुछ समय से जब वहाँ का भोजपुरी क्षेत्र में जाता नहीं अपन संबोधन भोजपुरी में करते हैं। लेकिन यह ना माननीय राष्ट्रपति भी अप्रैल में जब मॉरिशस गई हाँ वहाँ के संबोधन की शुरुआत भोजपुरी में भाई। बात हम ऐसे बतावे के चाहते नहीं कि अभी 21 जनवरी के नेपाल के संसद में 160 संसद लोग शपथ लिया भोजपुरी नेपाल के मान्यता प्राप्त भाषा बा। 107 में 47 सांसद मैथिली में शपथ लिया, 25 सांसद भोजपुरी में, 11 को हिंदी में, 24 को नेपाली में। कि हम ऐसे बता रहे के चाहता नहीं कि नेपाल में जितना लोग भोजपुरी में शपथ लिया नेपाली में उससे कम लिया। लेकिन थोड़ा सा तो मालूम बा कि हिंदुस्तान के संसद में भोजपुरी में आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि भोजपुरी एक मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। अभी परसों उपराष्ट्रपति के आह्वान पर राज्यसभा की कार्रवाई 18 जुलाई से जो सेशन शुरू हो रहा है उसमें 22 भाषाओं में कार्रवाई होगी, लेकिन भोजपुरी में नहीं होगी क्योंकि आपकी भाषा मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है, 1000 साल पुरानी भाषा, 16 देशों में 20 करोड़ से ऊपर लोग इस भाषा को बोलते हो, सरकार उसको मान्यता नहीं दे रही। नेपाली और सिंधी जो भारतीय मूल की भाषाएं नहीं हैं वो भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। की बात हमें से कहा था नहीं, इस सरकार एनडीए की सरकार 13वीं लोकसभा में 4 गो भारतीय भाषा के संवैधानिक मान्यता दिलस, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। 14वीं या 15वीं लोकसभा में यूपीए गवर्नमेंट कोनो भारतीय भाषा के संवैधानिक मान्यता ना दिलस। हमने के बड़ा उम्मीद रहे कि एनडीए सरकार भारतीय भाषाओं की पक्षर है और हमने के मातृभाषा हिंदी में, हिंदी के बाद देश में सबसे बड़ा भाषा बा उसका सम्मान मिली। दो चार को बात और कहेगा चाहब कि भोजपुरी मॉरिशस में और नेपाल में मान्यता प्राप्त भाषा है। भोजपुरी मॉरिशस के 250 स्कूलों में पढ़ाई जाती है। भोजपुरी लोकगीत और सोहर को मॉरिशस सरकार के निवेदन पर यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया। भोजपुरी मैंने आपको बताया नेपाल में कितनी बड़ी संख्या में संगठन शपथ ली। प्रधानमंत्री भोजपुरी बोलते हैं हम लोग का सीना दुगना हो जाता है। ये सरकार अब जब इस 16वीं लोकसभा जिससे हमें बहुत उम्मीद थी एक साल से भी कम समय रह गया है, इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि भोजपुरी को अविलंब मान्यता दी जाए ताकि हम लोग भी संसद में अपनी कार्रवाई अपनी शपथ दे सकें और उस दिन हम लोग देख सकें। दिल्ली में 6 गो सरकार के अकेडमीज बने, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, मैथिली या भोजपुरी। लोग लगल बा कि 5 गो अकेडमी के पढ़ाई दिल्ली सरकार के स्कूल में हो, खाली मैथिली या भोजपुरी के लिए हो। प्रयास वो खातिर जारी बा कि दिल्ली के सरकार की स्कूल में चाहे कहीं स्कूल में हो मैथिली या भोजपुरी की पढ़ाई भी शुरू हो। आज ये आयोजन खातिर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आनंद जी के, ओझा के,
और हमारा सब एक तरह के गतिविधि जारी रहे के चाहिए कि समाज में जीवंतता के पर चले। अपन बात समाप्त करे के पहले हम भोजपुरी में चार लाइन रोड़ा सब के समर्पित करे के चाहता नहीं कि राउर बगिया बसंत मुस्काई करे भवरा पीड़ित के गीत गुनगुनाई करे हरी ते न तब हम न माटी घटे राउ जिंदगी के दिया जगमनाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय हिंद। जुबे जी मैं वो गाना सुन ले मकैया रे सर होखी नहीं चाहिए वही के वर्णन गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच हरे की देश खातिर मर मिटी जाइला न हो आ की देश खातिर मर मिटी जाइला न हो आ हम जवान भोजपुरिया के भी अपना के भोजपुरिया जवान मात्र शुरुआत उमर करी था और ताली के साथ कहना है कि हम जवान भोजपुरिया का हाइला न हो हम जवान भोजपुरिया का हाइला न हो कि देश खासी में मर मिटे जाइला न हो देश खासी में मर मिटे जाइला न हो हम जवान भोजपुरिया का हाइला न हो निर्मल मन जैसे गंगा जी के पनिया हमनी के धरती अब्दुल हमीद के धरती है वीर कुंवर सिंह जी के धरती है देश खातिर कुर्बानी देने के तन को हमनी के संकोच ना हो इसे कहे के बाद निर्मल मन जैसे गंगा जी के पनिया अरे की हंसी हंसी गर्दन कटाई ला न हो हम जवान भोजपुरिया का हाइला न हो हम जवान भोजपुरिया का हाइला न हो सब कुछ बर्दाश्त हो जाने की कहीं बात बर्दाश्त ना हो रहा का एक चीज बर्दाश्त ना हो रहा भैया जब भोजपुरियन के मान के बात आवेला जब भोजपुरियन के सम्मान के बात आवेला वो समय वो बात कहे के पड़ेगा कि अखिया तलेर के देखावे जे अंगुरिया आई हेरा सहारा उठी जाला हो लौनिया किसने जो राखी
लाठी उठेला भोजपुरिया की, कृष्ण जब लाठी उठेला भोजपुरिया की, ओकरी कहे के तरह की अखिया तलेर के देखावे जे अमुरिया कि हम जवान भोजपुरिया जे जे भी अपना के भोजपुरिया समझता कि अंतिम लाइन पर गीत के आप लोग जरूर दोनों हाथों पर करो, दोनों हाथों पर होना चाहिए, कोई सरसरी की बात नहीं है। हम तो गर्व से कहीं ना कहीं भैया हिंदी उतना अच्छा ना गा रहा, भोजपुरी ये बढ़िया गाएगा, गर्व हम के ऐसे कि हमने भोजपुरी के बोले वाला देश के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। दोनों हाथ ऊपर करके बोले के बाद कि हम जवान भोजपुरिया क्या हाल है।